ये हमारे पास आज वैभव पेशेंट है, वो हमें आज दिखाने आया है उसकी ईयर की कंप्लेन लेके। वैभव का कंप्लेन है कि स्विमिंग में जाने के बाद उसके कान में पेन होने लगा है, ठीक है। तो हम आज वो डिस्कस करेंगे स्विमिंग में जाने से पहले क्या करना है और स्विमिंग क्लास खत्म होने के बाद क्या करना है। स्विमिंग क्लास ज्वाइन करने से पहले क्या करना है वो हम आज जानेंगे। स्विमिंग क्लास ज्वाइन करने से पहले मेरी सब लोगों से एक ही सलाह है कि आप अपना कान साफ करवा दीजिए, ईएनटी डॉक्टर को दिखा के, कान के डॉक्टर को दिखा के कान की साफ सफाई करवा दीजिए, बाद में आप स्विमिंग का क्लास ज्वाइन करिए। ये देखो वैभव है, उसका कंप्लेन क्या था, उसके कान में पेन हो गया जो स्विमिंग क्लास ज्वाइन करने के बाद। तो हमने उसके कान में से बहुत बहुत ज्यादा मैल निकाला, वैक्स निकाला और उसके कान में सूजन आ गया, इन्फेक्शन हो गया, ओटाइटिस एक्सटर्ना हो गया है, ठीक है। तो मेरी सब लोगों से एक ही सलाह है कि स्विमिंग में जाने से पहले आप अपना कान ईएनटी सर्जन से क्लीन करवा दीजिएगा, ताकि वैभव की तरह कान में जो पानी जाए तो अंदर इन्फेक्शन ना हो, ठीक है। एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये होगी कि आपको स्विमिंग क्लास खत्म होने के बाद क्या करना है। स्विमिंग क्लास खत्म होने के बाद आपको पतला रुमाल हैंडकरचीफ लेके अपने कान को हल्के हाथ से साफ करना है, ठीक है। और अगर साफ करने के बावजूद भी आपको ऐसा लगे कि कान के अंदर पानी या कान में हैवीनेस है, तो ईयरबड्स लेना है, उसको हल्के हाथ से ईयरबड्स को अंदर घुमाना है, जोर से नहीं घुमाना है, जोर से खुजलाना नहीं है, ठीक है। हल्के हाथ से मॉप करना है, समझ गए मेरी बात। मॉप मतलब क्या है, जो आप हल्के हाथ से अंदर ईयरबड्स डालोगे तो जो पानी है वो सब पानी कॉटन है ईयरबड्स का उसके अंदर चला जाएगा और आपका कान क्लीन हो जाएगा। कभी भी कान साफ करने के लिए ईयरबड्स को ज्यादा घुमाना नहीं है, उससे क्या होता है कान की चमड़ी है उसमें एब्रेशन होता है, छिल जाता है और अंदर इन्फेक्शन होता है। तो दो चीज़ है, एक तो पतले रुमाल से क्लीन करना है स्विमिंग के बाद, फिर भी आपको ऐसा लगे कि अंदर पानी है तो ईयरबड से हल्के हाथ से मॉप करना है, मतलब घुमाना नहीं है ज़्यादा, मॉप करना है। ये दो चीज़ का ध्यान रखना है। अगर कान के अंदर पानी रह जाता है तो कान के अंदर फंगस होता है, फुंसी होता है, तो स्विमिंग के बाद कान को क्लीन करना जरूरी है, लेकिन हाँ हल्के हाथ से करना है, ज़्यादा जोर घुमाने से नहीं करना है। और दूसरी बात फिर रिपीट करता हूँ, कान में अगर आपको स्विमिंग में जाना है तो स्विमिंग में जाने से पहले आप स्विमिंग क्लास ज्वाइन करने से पहले कोई भी ईएनटी डॉक्टर को दिखा के अपना कान का चेकअप करवा लीजिए, ताकि ये वैभव की तरह आपको भी इन्फेक्शन ना हो और खाली पीली दवाइयाँ नहीं खानी पड़े। नमस्ते, थैंक यू।